हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भविष्य में बाड़मेर की बेटियां भी खेलेंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चेतन शर्मा चवा में आयोजित हुआ भूमि पूजन कार्यक्रम बाड़मेर। थार की बेटियां खेल जगत में अपने कौशल के माध्यम से जिले का नाम रोशन करेंगी। डॉक्टर रूमा देवी की पहल से बाड़मेर के इस तपते रेगिस्तान में हजारों रूमाएं उभर कर सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि खेलना सब चाहते हैं लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पाती। आज आपको जो तोहफा रूमा देवी ने दिया है, इस ऐतिहासिक आयोजन की सभी बाड़मेर जिले वासियों को बधाई देता हूँ। इस 10 करोड़ की लागत राशि के आधुनिक खेल मैदान के निर्माण से खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करके विश्व स्तर पर अपना परचम लहराएंगे। उक्त उद्यान रूमा देवी सुगुणी देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भूमि पूजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष व पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा ने व्यक्त किए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सीईओ मेंबर ईपीसीएच प्रिंस मलिक ने संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों के लिए रूमा देवी ने जो बीड़ा उठाया है, यह आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है। इस आधुनिक खेल मैदान के निर्माण से यहां की ग्रामीण बालिकाएं खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगी। उन्हें यहां बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने से खेल के क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने कहा कि हम सभी जिले वासियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तोहफा गर्व का विषय है। हमारी बेटियों के लिए आधुनिक खेल मैदान विशेष रूप से मददगार साबित होगा। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित समाज सेविका डॉक्टर रूमा देवी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मेरे दिल्ली के किसी प्रोग्राम में बॉक्सर की वर्ल्ड चैंपियन MC मैरी कॉम से मुलाकात हुई तो पता चला कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां अभी खेल के क्षेत्र में कितनी पिछड़ी हुई है। तब मुझे हस्तकला के साथ साथ जिले की बालिकाओं के लिए खेल मैदान बनाने का ख्याल आया, जिसका आज आप सभी के सामने शिलान्यास हो रहा है। भूमि पूजन के कार्यक्रम की विधि शुरुआत परियोजना समन्वयक हरि गढ़वाल के संकल्प वाचन व चेतन शर्मा रूमा देवी तथा अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलन एवं पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। इस दौरान सहायक निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर दिलीप परिहार, आर्किटेक्ट एवं तकनीकी सलाहकार कपिल जैन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चवा की संस्था प्रधान चंपा चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में यह रहे उपस्थित। इस दौरान भूमि पूजन कार्यक्रम में रावत त्रिभुवन सिंह, DFO संजय भादु, प्रधान जेठी देवी, रूपाराम सारण, महेंद्र जानी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीकाराम प्रजापत, जिला शिक्षा अधिकारी चेनाराम चौधरी और कृष्ण सिंह राणीगांव, थानाधिकारी सदर अनिल बिश्रोही, डॉक्टर आदर्श किशोर, रघुवीर सिंह तामलोर, नरसिंह कड़वासरा, चवा सरपंच तेजाराम भील, आदर्श चवा सरपंच रघुनाथ सिंह, देवीलाल सोनी, डाबलीसना सरपंच प्रतिनिधि मोती सिंह, रावतसर सरपंच प्रतिनिधि करण गोदारा, बेरीवाला तला सरपंच खरताराम गोदारा, हरजीराम सारण, सहायक विकास अधिकारी मूलाराम पुनिया सहित कई अधिकारी गण, जिले भर के विभिन्न खेलों के खिलाड़ी, आसपास के विद्यालयों के छात्र छात्राएं व गणमान्य नागरिक गण ने शिरकत की। अंत में संस्थान सचिव विक्रम सिंह ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन जसवंत सिंह डूडी एवं नक्षत्र चौधरी ने किया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।